कीजिए मेरे चैनल ज्ञान कुंड को और बेल आइकन को दबाइए। एक्सर्समैन सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज नेटवर्क कर और गवर्नमेंट एग्जाम अन्य क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी के लिए और ऑप्शन में जाकर के ऑल को क्लिक करें ताकि आपको सबसे जल्दी और लेटेस्ट वीडियो मिल सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान कुंड में। दोस्तों आज की जो वीडियो है ये हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे एक इंडियन आर्मी का सोल्जर सिर्फ एक ही साल में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिन्होंने इंडियन आर्मी को सिर्फ अपने 10th क्लास के बाद या फिर 12th क्लास के बाद ही ज्वाइन कर लिया था और उनको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इंडियन आर्मी में और वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। दोस्तों साथ ही साथ इसमें ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपकी एज इतनी ही होनी चाहिए तभी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको ज़्यादा साल भी हो चुके हैं इंडियन आर्मी में काम करते हुए और अगर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या फिर कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जो आपको ये चीज़ ऑफर कर रही है, साथ ही साथ क्या फ़ी स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन से कोर्स आपको इसमें मिलेंगे, आप कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ जो सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप जानते हैं किसी व्यक्ति को जो इंडियन आर्मी में ही है और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है आप उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कौन सी वो यूनिवर्सिटी है और उसकी कंप्लीट डिटेल्स। तो दोस्तों जो वो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली के जामिया नगर में स्थित है। दोस्तों अगर आपको इसकी वेबसाइट के बारे में जानना है तो वो है www.jmi.ac.in जो आपके स्क्रीन के सामने इस समय फ्लैश भी हो रही है। साथ ही साथ दोस्तों इसका फैक्स और फ़ोन नंबर भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है जिसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। दोस्तों एक MOU मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था JMI और इंडियन आर्मी के बीच में, जिसमें जो जामिया यूनिवर्सिटी है वो एक इंडियन आर्मी सोल्जर को ये परमिट करती है कि वो अपना डिग्री या डिप्लोमा कर सकें डिस्टेंस मोड के थ्रू सिर्फ एक ही साल में। जी हाँ दोस्तों इसमें आपको यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा स्टडी मटेरियल आपको आपके जहाँ पर आप हैं वहीं आपको मिलेगा, आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू इसमें पढ़ाई करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है कि क्या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये क्या कौन सा एग्रीमेंट हुआ था तो आप अपनी यूनिट को इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों देखते हैं कि इसमें आपको प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मिलता है BAG जो BA के इक्विवेलेंट होता है, फिर BCOM, BBA, BCIBF, MA मिलता है, फिर आपको MA इंग्लिश है, MA हिंदी है, MA हिस्ट्री है, MA सोशोलॉजी है, MA पॉलिटिकल साइंस है, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर आपको यहाँ पे MCOM का मौका मिलता है, PGDGC मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग आपको यहाँ पे कोर्स ऑफर हो किया जाता है, साथ ही साथ दोस्तों PGDGI मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर जो जो यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं कोर्सेज वो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होंगे। साथ ही साथ दोस्तों अभी शायद कुछ नए कोर्सेज और जुड़े हैं तो वो तो आप JMI की जो वेबसाइट है उस पर जाके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की तो इसमें PGDGC अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आपको 15,500 रुपये का फ़ी स्ट्रक्चर आपकी फ़ी है। BAG या BCOM अगर आप करना चाहते हैं तो 7,200 रुपीज़ है। अगर आप BBA या फिर BCIBF करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी 8,800 रुपये है। MCOM अगर आप करना चाहते हैं तो 10,000 रुपये है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसमें ये आपके एक साल का होने वाला है, जितने भी साल की ग्रेजुएशन होती है उसके हिसाब से फिर ये मतलब अगर 3 साल की ग्रेजुएशन है तो ये सिर्फ आपको एक साल का से फ़ी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। MCOM के लिए आपके 10,000 रुपये,
PGDGI के लिए आपके 36,200 रुपये, और जो आपका MA है अगर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करना है तो उसके लिए 11,000 रुपये हैं। साथ ही साथ अगर हम MA इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री सोशोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आपके 7,800 रुपये उसमें लगेंगे। दोस्तों ये हो गया फीस स्ट्रक्चर अलग अलग कोर्सेज का। अब हम बात करते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, जिसको ग्रेजुएशन करनी है अगर वो 10th क्लास के बाद इंडियन आर्मी में आए हैं तो करीबन उनको 4 साल की अपनी सर्विस करनी होगी, उसके बाद ही वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ जिन्होंने 12th पास करके आर्मी को ज्वाइन किया है उनको 2 साल की यहाँ पे सर्विस करनी है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडियन आर्मी में आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। आप या तो ग्रेजुएशन करके आए थे इंडियन आर्मी में या फिर आपने आर्मी के थ्रू ही ग्रेजुएशन की है, उसके बाद आपको 2 साल की सर्विस करनी है। अगर आपकी वो कम्प्लीट है तो आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई एलिजिबिलिटी। उसके बाद दोस्तों हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप अपने जो रिस्पेक्टिव ऑफिसर हैं, आपके CEO हैं, OC हैं, उनके पास जाकर एक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको साइन कराना होगा। दोस्तों वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या है वो आप अपनी यूनिट से पता कर सकते हैं, नहीं तो आपको GMI की वेबसाइट पे उसका फॉर्मेट क्या है वो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों आप गलत फॉर्मेट बिल्कुल मत डालिएगा। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अगर वेबसाइट पे दिया हो तो आप वहाँ से लीजिएगा, वरना आप अपनी यूनिट में कॉन्टैक्ट करके वहाँ से पता कीजिएगा। गलत फॉर्मेट में आप अपने वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे एडमिशन में अप्लाई करने के वक्त मत दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम फी की बात करें तो 500 रुपये है। जैसे ही आप अपनी एडमिशन फी दे देते हैं और आप एलिजिबल होते हैं इस कोर्स के लिए तो आपको कोर्स की फ़ी भरने के लिए आपके पास मैसेज आ जाएगा उस स्टडी मटेरियल की। तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देनी है। आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कोई और गूगल पे जाकर किसी और वेबसाइट से आप स्टडी मटेरियल को ले सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप अपने घर पे चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल आए तो आपको उसके लिए 500 रुपीज़ पे करने होंगे जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन JMI के बारे में, इस एग्रीमेंट के बारे में जिसमें एक आर्मी का सोल्जर ग्रेजुएशन कर सकता है, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आप उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तब तक दोस्तों आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।